हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टॉक ट्रांसफर्स बिटवीन ब्रांचेस की पीपीटी में समझाया था कि हम इसको कैसे कौन कौन से सिनेरियो में ट्रीट करते हैं। अब उन्हीं सिनेरियो को हम टैली में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, टैली में आप उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था, वो मैंने बताया था इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, कि आप जो गुड्स की ट्रांसफर करते हैं वो आप इंटर स्टेट करते हैं। इट मींस कि आपका जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा में है और जो ब्रांच ऑफिस है वो दिल्ली में है। तो कई बार ऐसा होगा कि ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में गुड्स ट्रांसफर होंगे, कई बार ऐसा होगा कि हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में गुड्स ट्रांसफर होंगे। तो इंटर स्टेट ब्रांच जब ट्रांजेक्शन होगी तो उस केस में आपका IGST अप्लाई होगा। तो इसके लिए आपको टैली में कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को ही टैली में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलिए हम टैली पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट की हुई है स्टॉक ट्रांसफर के नाम से, जो कि मेरी इसमें स्टैट्यूट एंड टैक्सेशन में मैंने GST को एक्टिवेट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो अपनी कंपनी बनाई है वो मैंने हरियाणा की बनाई है और GST नंबर भी हरियाणा का ही डाला। अब आपको सबसे पहले तो जो आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं आपको दो ग्रुप्स बना के रखने पड़ते हैं अपने पास। वो ग्रुप आपके लिए ऑलरेडी बना दिए हैं मैंने, तो आपने कैसे बनाने हैं वो हम देखते हैं। अकाउंट्स इन्फो पे आना है, ग्रुप्स आप क्रिएट करेंगे, मैंने क्रिएट किए हुए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे आपको ऑल्टर पे दिखा रहे हैं। फर्स्ट आपको ग्रुप बनाना है स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। अगर आपका हेड ऑफिस है, जैसे मेरा हेड ऑफिस है हरियाणा में, अगर मैं ब्रांच ऑफिस से गुड्स को रिसीव करती हूँ तो एक आपके पास ग्रुप होना चाहिए स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। अंडर आप इसको प्राइमरी में लेंगे। नेचर ऑफ ग्रुप, ये आपके लिए एक्सपेंस है अगर आप अदर ब्रांचेस से गुड्स को रिसीव कर रही हैं, तो आप इसको एक्सपेंस लेंगे। डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको आपने येस करना है, बाकी इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। एक और जो नेक्स्ट आपका ग्रुप बनेगा वो बनेगा स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांचेस। अब हेड ऑफिस भी तो ब्रांचेस को ट्रांसफर करेगा गुड्स, तो एक और ग्रुप आप बनाएंगे स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांचेस अंडर प्राइमरी। नेचर ऑफ ग्रुप में आप ले लेंगे इनकम, क्योंकि अब आपकी इनकम होगी क्योंकि आप आउटवर्ड करेंगे गुड्स का, तो इनकम में ले लेंगे। डज इट अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट, इसको आपने येस रखना है, देन इसको एक्सेप्ट करना है। ये तो हमारे दो ग्रुप हो गए। अब हमारा जो फर्स्ट सिनेरियो था वो क्या था कि हमें इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर करना है गुड्स का, तो हम क्या करेंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेजर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो एक हमने लेजर बनाना है इंटर स्टेट ब्रांच का। इंटर स्टेट ब्रांच जहां पे आप गुड्स की ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरी जो कंपनी है, इट मींस कि मेरा जो हेड ऑफिस है वो मेरा हरियाणा में है, क्योंकि मैंने कंपनी जो क्रिएट की है वो मैंने हरियाणा में की है। और एक जो हमने ब्रांच बनाई है इंटर स्टेट ब्रांच, ये आपने लेना है अंडर ब्रांच एंड डिविजन्स, और यहाँ पे आपने अपनी कंट्री को, स्टेट को चेंज करना है। जैसे मैंने हरियाणा लिया तो अब मैं जो गुड्स ट्रांसफर कर रही हूँ वो मैं कहाँ कर रही हूँ, दिल्ली में कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपने GST नंबर भी दिल्ली का ही डालना है, देन इसको एक्सेप्ट करना है। ये आपने लेजर बना लिया जहां पे आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक लेजर बनाना है स्टॉक इनवर्ड। स्टॉक इनवर्ड मतलब जब आप ब्रांच ऑफिस से गुड्स को रिसीव करेंगे, तो एक लेजर हमारा बनेगा स्टॉक इनवर्ड। ये आप लेंगे जो हमने अभी ग्रुप बनाए थे स्टॉक रिसीव फ्रॉम ब्रांचेस, जब आपको ब्रांचेस से गुड्स रिसीव होंगे। यहाँ पे आपका इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का ऑप्शन येस होना जरूरी है, तभी स्टॉक इनवर्ड का जो लेजर होगा वो आपका परचेज वाउचर में जब हम रिसीव करेंगे ब्रांचेस से गुड्स को, तो आपका स्टॉक इनवर्ड का लेजर तभी हाईलाइट होगा वहां पे जब आपका इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड का ऑप्शन येस होगा। Is GST applicable? इसको आपने applicable रखना है। यहाँ पे अभी हमें ledger wise tax को fix नहीं करना, इसलिए set alter GST details no रहेंगी। type of supply में आपने goods लेना है, then एक और ledger आप बनाएंगे वो होगा stock outward। stock outward means जब head office से goods transfer होंगे
ब्रांच ऑफिस में, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होएगा, स्टॉक ट्रांसफर टू ब्रांचेस जो अभी हमने बनाया था। इसमें भी इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रखना है। इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी नो रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स देन एक्सेप्ट। अब हमने ये लेजर्स बना लिए। ये लेजर्स किसके लिए बनाए हैं, इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर के लिए, कि हम अदर ब्रांचेस में गुड्स ट्रांसफर भी कर रहे हैं इंटर स्टेट और वहां से रिसीव भी कर रहे हैं। तो आपने जो एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री आपकी होगी परचेज की। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने परचेज करना है इंटर स्टेट ब्रांच से, मतलब कि आपको अदर ब्रांच दिल्ली से गुड्स रिसीव हो रही हैं, आपके पास गुड्स आ रहा है, तो आपने परचेज में एंट्री कर देनी है। यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर ले लेंगे, डेट ले लेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में लेंगे इंटर स्टेट ब्रांच, क्यों, क्योंकि हमें दिल्ली ब्रांच से गुड्स रिसीव हो रही हैं। उसके बाद परचेज लेजर में आपने लेना है स्टॉक इनवर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रांसफर गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं ब्रांच से, आपके पास स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक इनवर्ड आप लेंगे। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन येस होना जरूरी है, F12 आप प्रेस करेंगे। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी, इस ऑप्शन को आपने यस रखना है, क्योंकि हमारी इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांजैक्शन है, तो इस केस में हमें आईजीएसटी अप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन और नेचर में कुछ नहीं लेंगे, आपने कुछ भी एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट आपने नहीं करना। यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम, एक आइटम सेट की है जो हम ट्रांसफर करेंगे या फिर हम जिसको रिसीव करेंगे। जैसे मैंने लैपटॉप की तो मैं आपको लैपटॉप में बता देती हूँ मैंने इसमें कौन कौन सी चीजें की है। ये मैंने यूनिट बनाई है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करते हुए, इसका एचएसएन कोड देते हुए, इसको कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लिया, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल, यहाँ पे मैंने 18% टैक्स को इसमें सेट कर रखा है। देन आप इसको टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स लेंगे। 20 नॉर्म्स हमने लैपटॉप रिसीव किए हैं इंटर स्टेट ब्रांच से और इस पे IGST अप्लाई किया है। ऑल्ट ए करके आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स देखनी है तो ऑल्ट F1 से देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा टैक्स है वो 43,200 रुपीस आपको शो कर देगा। उसके बाद हम इसको ओके। अब ये तो हमने एंट्री तब की जब हमने गुड्स रिसीव करे अदर ब्रांच से। अब अगर हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को ट्रांसफर करता है गुड्स, तो इट मींस कि आपकी तरफ से क्या हो रहा है, स्टॉक आउटवर्ड हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेल्स में एंट्री करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे रेफरेंस नंबर ले लिया, सेकंड पार्टी अकाउंट नेम में इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर हो रहा हैड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस, तो यहाँ पे हम इंटर स्टेट ब्रांच लेंगे। और इस केस में अब आपका जो गुड्स होंगे वो आपके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे स्टॉक आउटवर्ड। यहाँ पर भी आपको क्लासिफिकेशन और नेचर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पे लैपटॉप्स ले रहे हैं और 25 नॉर्म्स मैंने 20,000 रुपीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे परचेज किया और इस सेल किया गुड्स और उस पर IGST कैलकुलेट कर लिया। ऑल्ट ए करके टैक्सेस आप देख लेंगे, ये देखिए, देन इसको एक्सेप्ट कर दें। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं। यहाँ पे हमने जो परचेज किए 20 किए और सेल हमने 25 कर दिए, तो ये ज्यादा हो गए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। सेल्स में यहाँ पे हम 15 सेल कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रुप वाइज होगा स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांचेस। आपको जितना स्टॉक रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 2,40,000 का, और आपने जो आउटवर्ड किया वो आपने 3,00,000 का किया, और जो क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है वो आपका 60,000 रुपीज कर रहा है। तो ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जब हमने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किए गुड्स और वो आपने हेड ऑफिस टू ब्रांच ऑफिस भी किए और ब्रांच ऑफिस टू हेड ऑफिस भी किए। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था जिसको अपने अकाउंटिंग में ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। अब हमारा जो सेकंड सिनेरियो है उसको हम डिस्कस करते हैं। सेकंड सिनेरियो है इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अगर आपका इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर होता है गुड्स का
और आपका जो जीएसटी नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट है. हेड ऑफिस अपना सेपरेट काम कर रहा है, ब्रांच ऑफिस अपना सेपरेट काम कर रहा है विद डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन. तो आपका इस केस में क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें इसको टैली में कैसे करना है, चलिए ये देखते हैं. अब इसके लिए भी हमें लेजर्स क्रिएट करने होंगे. ग्रुप हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं. अकाउंट्स इन्फो पे आना है, लेजर्स यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे. फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रा स्टेट ब्रांच डिफरेंट जीएसटीएन. ये एक लेजर आपको और बनाना होगा. इंट्रा स्टेट मतलब लोकल ब्रांच है और उसका जीएसटीएन नंबर अलग अलग है. तो मैंने लेजर भी उसी नाम से बनाया है ताकि आपको समझ आ जाए. इंट्रा स्टेट ब्रांच है और उसका जो जीएसटीएन नंबर है वो अलग अलग है. उसके बाद वो आपका किस में आ जाएगा, अंडर ब्रांच एंड डिविजन के अंदर ही आएगा. और यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेट तो हम सेम लेंगे क्योंकि मेरा जो हेड ऑफिस है वो भी हरियाणा है और जो ट्रांसफर हो रहे हैं गुड्स वो भी हरियाणा में ही हो रहे हैं. बट यहाँ पे इसका जो जीएसटी नंबर है वो डिफरेंट होगा. तो ये आपने अपनी वाली ब्रांच का नहीं डालना, आपने डिफरेंट डालना है. तो ये मैंने डिफरेंट डाला हुआ है जीएसटी नंबर, देन आपने इसको, बाकी हमारे सेम लेजर्स रहेंगे. सीजीएसटी एसजीएसटी ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टॉक इनवर्ड एंड आउटवर्ड मैंने बना रखे हैं. अब उसके बाद यहाँ पे हम एंट्री पास करते हैं. सबसे पहले परचेज करते हैं, यहाँ पे हम लेंगे इंट्रा स्टेट ब्रांच डिफरेंट जीएसटीएन. परचेज लेजर में आप ले लेंगे स्टॉक इनवर्ड क्योंकि आप रिसीव करेंगे. यहाँ पे नेचर आपको कुछ नहीं लेना क्योंकि हमें इसमें टैक्स को अप्लाई करना है. लैपटॉप हम परचेज करते हैं, 20 लैपटॉप्स परचेज किए. देन यहाँ पे हम टैक्स लगा देंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ऑल्ट ए करके चांसेस आप देख सकते हैं. ये देखिए हमने 20 नॉर्म्स लैपटॉप और परचेज किए, हमने रिसीव किए इंट्रा स्टेट से ही डिफरेंट जीएसटीएन और ये आपको हरियाणा से ही ब्रांच ऑफिस से रिसीव हुआ है. देन हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं. अब अगर आप हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में गुड्स को आउटवर्ड करते हैं, गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, तो हम एंट्री करेंगे F8 सेल्स वाउचर में. यहाँ पे क्या होगा, सेम वही लेना है आपने, इंट्रा स्टेट ब्रांच डिफरेंट जीएसटीएन. देन सेल्स लेजर में आप ले लेंगे स्टॉक आउटवर्ड क्योंकि आपका जो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो आउटवर्ड हो रहे हैं. यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन और नेचर का नो रखना है. लैपटॉप्स ले लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैं 10 लैपटॉप सेल करती हूँ 20,000 रुपीज के. यहाँ पे भी टैक्स अप्लाई होगा क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन तो है बट विथ डिफरेंट जीएसटीएन है. तो हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई करेंगे, देन ऑल्ट F1 से टैक्स एनालिसिस देख लेंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे. ये हमारा सेकंड सिनेरियो जिसमें आपका डिफरेंट और उसमें आप ट्रांसफर भी करते हैं और उसको रिसीव भी करते हैं गुड्स को. प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉक इनवर्ड हो गया है 4,80,000 का, आउटवर्ड हो गया है 5,00,000 रुपीज का एंड आपको लैपटॉप का जो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है वो 1,80,000 दिखा रहा है. तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए इतना आपका परचेज है एंड यहाँ पे आपको स्टॉक आउटवर्ड शो कर देगा, ये देखिए सेल्स का. अब उसके बाद हम अपने थर्ड सिनेरियो पे चलते हैं. थर्ड सिनेरियो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें. इंट्रा स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सेम जीएसटी रजिस्ट्रेशन. आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेम है, गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, चाहे हेड ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में हो चाहे ब्रांच ऑफिस से हेड ऑफिस में हो, तो इस केस में आपका कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा. तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम टैली में. अब इसके लिए भी आपको लेजर क्रिएट करना होगा. आप लेजर क्रिएट करेंगे इसमें इंट्रास्टेट ब्रांच सेम जीएसटीएन, इंट्रास्टेट ब्रांच सेम जीएसटीएन आप करेंगे. तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेम जीएसटीएन नंबर है, इसको आप ले लेंगे ब्रांच एंड डिविजन के अंदर और स्टेट तो हमने हरियाणा ही लेना है. और यहाँ पे आपको अपना जो जीएसटीएन नंबर लिखना है वो आपको सेम वही लिखना है जो आपने अपनी हेड ऑफिस वाली ब्रांच का लिखा था, जो मैंने अभी कंपनी क्रिएट करते हुए लिखा था वही मैंने यहाँ पे लिखा है जीएसटीएन नंबर. ओके, तो उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे. बाकी हमारे लेजर्स ऑलरेडी बने हुए हैं. अब हम एंट्री करते हैं,
अगर हम गुड्स को रिसीव करते हैं, तो यहां पे हम ले लेंगे इंट्रास्टेट ब्रांच सेम जीएसटी, एंटर करते हैं परचेज लेजर में स्टॉक इनवर्ड। अब यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये आपका जो हो रहा है वो आपका ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड हो रहा है, वो भी विद सेम जीएसटीएन। तो यहाँ पे आपको अभी तक हम कोई भी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नहीं सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ अब आपको ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ट सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो हम यहाँ पे लैपटॉप लेते हैं। मान लीजिए मैंने 10 लैपटॉप्स और परचेज किए और रिसीव करे। अब यहाँ पे अगर मैं टैक्स लगाऊं सेम स्टेट, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा एस जी एस टी। ये देखिए कुछ भी टैक्स नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि सेम नंबर है तो इस पे तो कोई भी टैक्स चार्ज होगा ही नहीं। आप ऑल्ट ए करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। देखिए अभी हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। आपसे एक्सेप्ट करते टाइम पूछेगा एक्सेप्ट ओवरराइड, तो हम ओ प्रेस करके इसको ओवरराइड करेंगे। अब हमने सारे तीनों सिनेरियो को हमने कर लिया, सेम जीएसटीएन भी, डिफरेंट जीएसटीएन भी, इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर भी। तो अब हम देखते हैं ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या शो कर रहे हैं। ये हमें शो कर रहा है कि आपके पास स्टॉक इनवर्ड जो है वो 6 लाख रुपीज का है जो आपने रिसीव किया है, स्टॉक आउटवर्ड जो है वो है आपका 5 लाख रुपीज का, तो वो आपका शो कर रहा है। लैपटॉप्स आपके जो अभी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं वो 3 लाख रुपीज शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री को भी इसमें भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है, जैसे भी आपके पास स्टॉक होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 25 ले लिया, लैपटॉप मैंने थोड़े से इंक्रीज कर दिए, इसको एक्सेप्ट। देखिए अब आपके पास यहाँ पे स्टॉक पड़ा है, आउटवर्ड भी, इनवर्ड भी, लैपटॉप भी, ये सारा आपको क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहे हैं। अब हम देखेंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में डिस्प्ले स्टैचुरी रिपोर्ट्स GSTR1 में आपको 2 एंट्री शो हो रही हैं जो आपने गुड्स को आउटवर्ड किया है। 2 एंट्रीज ये आपकी शो हो रही हैं डिफरेंट जीएसटी में और इंटरस्टेट ब्रांच में। ऐसे GSTR2 में हम देखेंगे यहाँ पे भी आपको 2 एंट्री शो हो रही हैं। कौन कौन सी? ये भी आपकी इंटरस्टेट है ब्रांच, डिफरेंट जीएसटी एंड इंटरस्टेट ब्रांच। यहाँ पे हमें वो वाली एंट्री शो नहीं हो रही जो हमारी जिसके हम ऊपर हमारा कोई टैक्स चार्ज ही नहीं हो रहा था, तो वो आपका यहाँ पे नहीं होगा चार्ज, क्योंकि उस पर कोई भी जीएसटी तो अप्लाई हुआ ही नहीं है। तो इसलिए वो आपका ना तो GSTR1 में शो करेगा ना ही आपका GSTR2 में शो करेगा। अब हम देखते हैं GSTR3 भी, ये आपको क्या कह रहा है कि आपने जो आउटवर्ड सप्लाईज की हैं वो आपने टोटल 7 लाख रुपीज की, जिसके ऊपर आपने जो टैक्स कलेक्ट किया वो आपने 1,26,000 कलेक्ट किया, और जो परचेज के टाइम पे आपने टैक्स दिया वो आपने 86,400 रुपीज टैक्स आपने पे किया। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे देखते हैं, बैलेंस शीट पे हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस शो कर रहा है 39,600 रुपीज। तो ये आपको CGST IGST के केस में इतना आपको पे करना है। तो ये हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के थ्रू पे कर देते हैं। तो ऐसे करके आपको ये एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ये एंट्रीज करनी होती है, और हमें दिखाना होता है कि हमने इतना पे करना है टैक्स, और ये आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में शो कर देता है। तो ये सारे सिनेरियो को आपने टैली में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ। जो भी डाउट्स हैं फिर भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।